का जो मेरा बेसिकली इस वीडियो में जो आपको फ़ायदा देना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर आपको ये फ़ायदा हो कि हमने ट्रस का साइज़ क्या रखना है और ट्रस की हमने कौन सी गेज यूज़ करनी है और इसको किस तरह हमने फिटिंग करनी है। और फिर नेक्स्ट में मैं आपको इसमें लाइटिंग की फिटिंग वगैरह और फोग मशीन और इनसे रिलेटेड जितनी भी लाइट्स हैं, बीम लाइट, मूविंग हेड, SMBs वगैरह वगैरह का सबका आपको वीडियोज़ भेजूंगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज मैं आपके सामने ये ट्रस का पीस रखता हूँ। ये बेसिकली जो ट्रस का ये जो पीस है, इसका जो हम चौड़ाई रखते हैं और ऊंचाई, इसकी ये 1 फिट होती है। ये 4 साइड 1 फिट बाय 1 फिट की ये बनाई जाती है और इसकी जो लेंथ रखी जाती है वो 6 फिट रखी जाती है। इसमें जो हम लोग गेज यूज करते हैं वो तकरीबन 18 गेज जो है वो बहुत बेस्ट रहती है। ये स्टील में है, आजकल ज़्यादातर एलुमिनियम में बन रही है पर वो ज़्यादा कॉस्टली है और पाकिस्तान में ये जो स्टील की आपको अवेलेबल होगी, आउट ऑफ कंट्रीज में आपको जो है ये एलुमिनियम में मिलेगी। स्टील की जो है ये थोड़ी वेटेड भी होती है। इसका ये जो पीस है ये तकरीबन 15 kg का होता है और जो एलुमिनियम में ये इतना पीस रेडी होता है वो तकरीबन 4 kg 5 kg के लगभग होता है। तो मतलब इसको उठाने के लिए हमें 2 बंदों की ज़रूरत पड़ सकती है, एक भी उठा सकता है, लेकिन वो उसमें काम स्पीड में होता है एलुमिनियम में, और स्टील में जो काम है वो स्पीड से नहीं होता। उसके बाद इसमें जो हम ये जो पाइप यूज करते हैं ये 2 इंच का यूज करते हैं और इसमें जो हम छोटा मतलब यूज करते हैं 1 इंच का करते हैं। इस तरह के जो पीस हैं इनको फिर फिटिंग की जाती है। इसमें फिर एक ब्लेड आगे फ्रंट में फिटिंग के लिए यूज किया जाता है। आप लोग ये इसको देख रहे होंगे, इसमें ये आपको सुराख नजर आ रहे हैं, ड्रिल की मदद से किए गए हैं। इनमें नट को इनसे ज्वाइंट कर दिया जाता है और आगे इसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जो है ये आपके सामने इस तरह के काफी पीसेज आपको नजर आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम जो सबसे टॉप पे यूज करते हैं जो हमारा एंड पीस होता है वो लगभग इस शेप का होता है। ये आपका एंड पीस है और इसकी जो शेप है वो ये होती है। अब आप इस बात से हैरान होंगे कि इसमें ये चीज क्यों उस तरह यूज की गई है। ये जो एंड पीस होता है इसकी जो ये शेप इसलिए रखी जाती है ताकि यहाँ पे हम चैन कुकी को इस्तेमाल कर सकें और वो हमारे ट्रस के वेट को उठा सके, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करते हैं। बाकी सेम इसकी भी वही है, पूरे ट्रस तकरीबन इसी साइज में रेडी की जाती है और जो मैंने आपको साइज इसमें बताया है वो यही चलता है। उसके अलावा अगर आप इस दोनों की शेप को देखेंगे तो इसमें डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन काफ़ी जो नए बंदे होते हैं उनको